अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो लास्ट वीडियो में हमने एक कैरेक्टर बनाया था जिसकी मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी। तो आज की वीडियो में हम कुछ न्यू कैरेक्टर बनाएंगे जिसकी मैं रेफरेंस इमेज आपको यहाँ से सिखा देता हूँ कि यहाँ से रेफरेंस इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। पहले यहाँ पे साइड पे जो प्रॉपर्टीज एडिटर है, यहाँ पे जाके जब हम अपना कर्सर मूव करते हैं तो एरोज आ जाते हैं। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और वर्टिकल स्प्लिट, मतलब कि हमने वर्टिकली करना है या हॉरिजेंटली करना है। यहाँ से हम जॉइन एरियाज करें तो हम इसको यहाँ से जॉइन करना है या यहाँ से, तो हम यहाँ से जॉइन एरियाज कर सकते हैं। तो अभी हमें सिर्फ वर्टिकल स्प्लिट चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे रख के लेफ्ट क्लिक कर देंगे। ये तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमने वर्टिकल स्प्लिट भी कर दिया। हॉरिजॉन्टल की ज़्यादा हमें एनिमेशन में ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम जैसे कि हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ हम इसके दोनों लेफ़्ट कॉर्नर पे अभी व्यू पॉइंट ही सिलेक्ट हुआ है। यहाँ हमें तो चाहिए व्यू पॉइंट ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे चाहिए हमें यूवी एडिटर। तो हम यहाँ पे जाएंगे और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें हमारे पास है व्यू पॉइंट, इमेज एडिटर, यूवी एडिटर, कंपोजिटर और भी बहुत सारे, और टाइम लाइन, डोशीट, ग्राफ एडिटर, ड्राइवर्स। तो अभी हमें सिर्फ यूवी एडिटर चाहिए, तो हम यूवी एडिटर को पे क्लिक कर देंगे। अभी आप एक ब्लैंक सा ये सरफेस देख पा रहे हैं जिस पे हम जो कि इमेज का फ्रेम यानी कि टेबल कह सकते हैं, हम इस पे कोई इमेज रख सकते हैं। अब हम न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि उसकी विड्थ, हाइट, कलर, तो फिर वो सिर्फ एक ब्लैंक कलर ही होगा। इसलिए हम अपने सेव्ड इमेज में जाके अपनी सेव्ड इमेज में क्लिक करके अपनी इमेजेस ले आएंगे। हमने अपनी आसानी के लिए एक रेफरेंस इमेज यहाँ साइड पर कर दी, जिसको मैंने स्प्लिट एरिया करके यूवी एडिटर में ये इमेज आगे रख दी है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके उससे पहले तो हम अपना कैमरा और लाइट डिलीट कर देंगे, एक्स और डिलीट। अब इसको हम करते हैं ये शेप देते हैं। पहले ये जो बेस बनी है ना, कि ये इसकी बॉडी जो है ये क्रिएट करते हैं। इसको ज़रा जूम इन कर लूँ। यूवी एडिटर में अब इमेज रेफरेंस इमेज रख के काम करना बहुत इजी है और इसे बहुत हेल्प भी मिलती है। और अब ओके जी सेट। ओके, हमने इसको सब डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करनी है। देखें इसकी आउटर लेयर जैसे हो गया, इसको डिसलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो फिर उसके अंदर आ रहा था जो हमने उसे सेलेक्ट किया था। कि हम रैपिंग कर यूवी एडिटर होता है रैप करना, यूवी रैपिंग की वीडियो मेरी आप देखें जो कि मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड की थी, उसमें यूवी रैपिंग और अनरैपिंग के बारे में मैंने बताया हुआ कि यूवी रैपिंग और अनरैपिंग क्या होती है। तो इसका पहले ये बेस बनेगा, पहले तो बेस मेन स्क्वायर ही बनेगा,
फिर उसके बाद उसकी आउटर लेयर्स बनेंगी जो कि हम उसके वर्टिसेस एजेस या फेसेस को डुप्लीकेट करके एक्सट्रूड कर लेंगे, उन्हें सही शेप दे देंगे। जैसा कि ये स्क्वायर बना हुआ है, इसके साइड पे फेसेस ये बने हुए हैं, ये देखें, और ये वाले भी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। अब हमने इसे कुछ फेसेस सेलेक्ट करने हैं और उनको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करना है। हम मिरर एक्स वाई एक्सिस ऑन कर देते हैं, क्योंकि अगर हम जो हम वाई एक्सिस पे करेंगे वो उसकी दूसरी साइड पे भी होगा। तो हम अभी फेस सेलेक्ट पर जाते हैं बाय प्रेसिंग 3 और अब सेलेक्ट करते हैं अभी एस सेलेक्ट में जाके थोड़ी चेंजेस करनी है इसमें कि अल्ट दबा के ये वाला एज, इसको जी जेड, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले को ऊपर से फिर एक दो दो स्टेप देके, यानी कि ये इतना गैप देके इसको पहले थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो इसकी हमने ये लाइंस वगैरह सेट कर ली हैं, जैसे हमें इसको एक्सट्रूड या डुप्लीकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसके कुछ फेसेस डिलीट कर देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी वाई एक्सिस का मिरर ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि अगर मैं इस तरफ करूँगा तो उस तरफ भी हो जाएगा। तो हम कुछ फेसेस डिलीट करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं। जो ये आप आगे वॉल देख पा रहे हैं, ये जैसे एक डोर सा कुछ है, यहाँ से इसको हम डिलीट कर देंगे। कुछ हिस्से जो, यानी कि जो ये इसकी लाइंस बनी हुई है येलो वाली, इसके ये रहने देंगे और बाकी डिलीट कर देंगे। और लूप कट डाल देते हैं यहाँ पे एक, क्योंकि ये लाइन हमारी ऊपर आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 एक लाइन डिलीट करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 एक्स और डिलीट, कंट्रोल जी। अब इसके कुछ हिस्सों में, जैसे कि ये वाला हिस्सों में, वो इसको ये डोर नया ही ऐड कर देंगे। फिलहाल अभी जो हमने फेसेस डिलीट करने हैं वो करते हैं। फिर अगर हम इसे ही सेट करने में लग जाएंगे फिर वो हमारा ऑब्जेक्ट ख़राब हो जाएगा। अब हम फेस सेलेक्ट में जाके फेसेस डिलीट करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। फ्रंट व्यू में जाके अब पूरा सेलेक्ट कर देते हैं जिनकी हमें नहीं ज़रूरत। एक्स डिलीट। अब साइड व्यू में जाके अल्ट दबाते हैं, फिर हम ये जो हमने जगह डिलीट की है फेसेस, इनको हम फिल करके थोड़ा एक्सट्रूड इन कर लेंगे। फिर एज सेट में ये किया फिल ई और अंदर थोड़ा सा, बस इतना, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे ये वाले एजेस डिलीट करेंगे, जिससे हमारे ये जो आप देख पा रहे हैं सेंटर में ये दो रहने देंगे, एक दो तीन और चार रहने देंगे, और साइड से ये दरमियान वाले डिलीट करेंगे, साइड वाले रहने देंगे। एज सेट में जाके एक दो तीन और चार ये करेंगे हम डिलीट एक्स एजेस।
ओके, ये हमारे एजेस हो गए डिलीट। अब हम इनको करते हैं फिल, किया फिल। ओके, ये हमारा हो गया ये इनर वॉल, ठीक है। और थोड़ा साइड व्यू में जाके और बैक व्यू में जाते हैं, ऊपर से ये थोड़ी जगह नीचे, तो उसको अभी हम सेट कर लेते हैं। और ये साइड में कॉर्नर्स हैं, नीचे से थोड़ा चौड़ा है, मैं यहाँ पे एक लूप कट डालना पड़ेगा, एक्सट्रूड करके उसमें लूप कट डाल देंगे। कंट्रोल और इधर नहीं, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जगह पे लगा, या फिर थोड़ा नीचे कर लेते हैं। कंट्रोल आर लूप कट डालने की शॉर्ट की है। ये डाला हमने यहाँ पे। अब हम फ्रंट व्यू में जाते हैं, इसके आगे से बिल्कुल ठीक है, पीछे से बस थोड़ा उसमें गैप कम है, यहाँ पे थोड़ा गैप ठीक है, उतना ही है, उतना ही ज़्यादा नहीं करना, काफ़ी है। पीछे भी इसका वैसे ही है, बस कुछ इंजर्ट फेसेस करके कुछ एजेस बनाने हैं। तो पहले हम इसका वही हिस्सा बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारा लगेगा ये जो हमारा हो गया ना अर्थ, इसको करेंगे थोड़ा सा जी जेड, यानी कि जेड एक्सिस पे हमने इसको थोड़ा मूव किया। अब ये वाली लाइन हमारी ये हो गई, ऊपर वाली ये हो गई। अब ये ऊपर से एक्सप्लोर हो जाएगा, तो और ये हमारे हम खुद बना लेंगे, बाकी ये फेसेस हम डिलीट कर देंगे क्योंकि एजेस क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ये वाले और ये वाले ये वाले ये हमने कर ले सेलेक्ट। अब हम इनको करेंगे डिलीट, एक्स डिलीट एजेस। अब हम साइड व्यू में जाके इसको भी हम कर देंगे फिल, और जो ये शेप्स बनी हुई है ये हम खुद ही बना लेंगे, क्योंकि ये इसमें हम और फेसेस ऐड करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं, और फिर हमारा फिर ऑब्जेक्ट भी सही नहीं बनता। अभी हम एच सेलेक्ट में आर दबा के इसको फिल कर देते हैं, एफ यानी कि इसके दोनों साइड पे हमें ऐसे फिल करना है, एक्सट्रूड इन थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है। हाँ ओके, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब हम इसमें ये जो साइड एजेस हैं इनको एक्सट्रूड करते हैं, तो ये हो गया हमारा बेस रेडी। इसकी सारी चारों साइड से मैंने इसको इसको परफेक्टली वही शेप दे दी है जो इसमें है, यानी कि इसके ये ऊपर वाले पार्ट्स भी बना दिए हैं ये वाले, और ऐसे नीचे साइड से कर्व्स भी आए हैं जैसे ये वाली, और ये मैंने आगे और पीछे वाला हिस्सा में अलग बना दूंगा, क्योंकि ये इसके अंदर और मज़ीद फेसेस नहीं बन सकते इस तरह। तो मैं अब इसको अलग बनाऊंगा, पीछे से भी मैं दिखा दूँ, ये आगे वाला हिस्सा है, वो दूसरा पीछे वाला हिस्सा है। ये पीछे वाला हिस्सा है, वो दूसरा आगे वाला हिस्सा था। तो अब हम इसके ये अंदर वाले हिस्से बनाते हैं। पहले इसको थोड़ा करेंगे हम इंसर्ट, इस फेस को थ्री दबाया, फेस सेलेक्ट में गए, पहले तो इनको दो अलग अलग फेसेस में डिवाइड करते हैं, एक्स दबाया, फेस डिलीट,
अब इनको इसको एस सेलेक्ट में जाके अब हम फेसेस को डिवाइड करेंगे। तो मैंने इस में न्यू फेसेस ऐड करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन इसमें न्यू फेसेस नहीं ऐड हो सकते क्योंकि अगर मैं इसे पूरे ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है तो मुझे अब इसकी अलग शेप्स बनानी पड़ेंगी, जैसे स्क्वायर हो गया, थोड़ा रेक्टेंगल, थोड़ा छोटा सा। अब मैं अलग बना के फिर इसमें ऐड करके ज्वाइन कर देता। एक चीज़ और बनानी है इसमें, जैसे कि मैंने आपको कहा था मैं इसमें फेसेस न्यू या शेप्स न्यू ऐड करने लगा, लेकिन उससे पहले जैसे ही मैं इसके साइड व्यू में गया तो यहाँ पे इसकी बैक साइड पे एक कर्व सी बॉडी ऑब्जेक्ट है इसका, तो इसके मैं बैक साइड पे आया हूँ, यानी कि अब इसमें मुझे एक लूप कट्स डाल के फिर इस तरह बार बैक बैक की तरफ इसको गोल बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। एक लूप कट डाला हमने यहाँ पे और इसको नंबर ऑफ कट्स एक दो कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे दो चाहिए लूप कट्स। और ठीक है, और दो यहाँ पे डाल देते हैं, कंट्रोल आर, और इधर भी दो कर लेते हैं। ओके परफेक्ट। अब हमने जो करना है वो इनके फेसेस को एक्सट्रूड करना है, इसको वाई एक्सिस वाला मिरर ऑन कर देते हैं कि अगर हम इस साइड करें, पहले टेस्ट कर लेते हैं कि हो भी रहा है कि नहीं। जैसे कि इस फेस को जी नहीं नहीं हो रहा, तो हम दोनों को एक साथ ही मूव करेंगे। अब पहले सेट करके फिर हम जेड एक्सिस में जाके इसको सही मूव करेंगे। पहले थोड़ा सा हमने इसके एजेस को करना है ज़्यादातर, तो हम सिर्फ एज सेट में जाके कितना सा ये पीछे की तरफ ये वैसे ज़्यादा हो रहा है, तो इसको करते हैं 3। अब हम इसको मूव करते हैं जी एक्स एक्स नहीं वाई, तो बहुत अच्छी तरह हो रहा है ये। अभी हमें थोड़ा ही करना था इसलिए पहले इसमें एक दो लूप कट्स और डाल देते हैं कि जब हमने लूप कट्स डाले थे उसमें नंबर ऑफ लूप कट्स ज़्यादा कर देंगे। अब इसमें कंट्रोल जी करके पहले इसको करेंगे लूप कट्स, कंट्रोल आर, तो चार लूप कट्स हमने डाले हैं। इधर भी चार डालने हैं, कंट्रोल आर, 1 2 3 4। ओके, अब हम इसको सही तरह कर सकते हैं। अब ये उस तरह फेसेस गलत तरीके से मूव नहीं होंगे जिससे हमारी ऑब्जेक्ट की लुक अच्छी ना हो, हमारा ऑब्जेक्ट ख़राब नहीं होगा इस तरह। अब हम कुछ इसके फेसेस सेलेक्ट करके फेस सेलेक्ट में गए, 1 2 3 4। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसकी एक साइड बना दी है और ये बिल्कुल परफेक्ट बना है।
इसमें बस ये थोड़ी सी बीच में डिटेलिंग रह गई है, वो हम लास्ट में काम करेंगे क्योंकि अभी हमने इसको स्ट्रक्चर देना है, अभी डिटेलिंग पे बाद में काम करेंगे। तो इसकी दूसरी साइड भी बनाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसकी दोनों बैक साइड बना दी हैं, ये बिल्कुल वैसा जैसे गार्बेज ट्रक, जैसा कि आपने देखा ही होगा उसके बैक साइड पे होते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। वाली मूवी आपने देखी होगी, ये वही रोबोट है जो मैं बना रहा हूँ। तो अब मैं इसका नेक्स्ट बनाऊंगा, इसके आर्म्स बनाए या टायर, पर टायर बना लेते हैं, जो चेन वाले इसके क्रेन वाले टायर हैं, पहले ये बना लेते हैं। इसके देखते हैं इसमें गैप कितना है। हल्का सा ही गैप है, पहले इसके ये आगे वाली स्क्रीन बना लेते हैं, फिर कुछ नेक्स्ट करते हैं। पहले तो शिफ्ट ए ऐड, नहीं पहले हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, और अब हम करेंगे शिफ्ट ए और ऐड करेंगे क्यूब। इसको एस एक्सिस पे थोड़ा छोटा करेंगे, तो फिर रेड एक्सिस पे भी छोटा करेंगे। चलो तो इसे ऊपर ले आते हैं, इसको जी। अब वाई एक्सिस पे इसे बहुत पतला करेंगे, अब हम जाएंगे इसको सिलेक्ट करके एडिट मोड में, अब इसको सिलेक्ट करके ऑल करेंगे, और इसको पहले ले चलते हैं एक्स एक्सिस पे थोड़ा छोटा करते, एस एक्स एक्सिस पे छोटा करते, इतना ठीक है। और ये अब उस फेस फेस से भी मैच हो रहा है, इसको वाई एक्स एक्सिस पे इसको मूव करते हैं। अब जी, अब साइड व्यू में जाके इसको मूव करते हैं जी वाई एक्सिस पे, जी जेड एक्सिस पे। अब हम जाते हैं इसको लेके एडिट मोड में। अब जैसा कि आप देख रहे हैं छोटी प्रॉब्लम तो नहीं आई, लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजेस आ जाती है। इसको थोड़ा सा जी एस जेड एक्सिस पे छोटा करना है, और अब पूरा छोटा करना है, ज़्यादा नहीं। अब जी थोड़ा सा ऊपर यहाँ, अब हम इसको लेके चलते हैं एडिट मोड में। अच्छा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और करना है इसको, जी जेड ए दो दो। अब ये बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आ गया। अब इसको हम कर रहते हैं डुप्लीकेट बाय प्रेसिंग शिफ्ट डी एक्स एक्सिस पे आ जाओ, आ गया। अब हम इसको करते हैं स्केल डाउन, और अब हम जेड एक्सिस पे से करते हैं पतला, और जी एक्स एक्सिस पे करते हैं इधर। अब इसको जी जेड एक्सिस पे करते हैं ऊपर, और अब इसको करते हैं डुप्लीकेट शिफ्ट टी
अब जेड एक्सिस पे नीचे आ जाओ, ठीक है। अब आर को वाई एक्सिस पे 90 घुमा दो। अब इसको मज़े छोटा कर दो। अब इसको उठा के थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, परफेक्ट। अब हम इसको लेके जाते हैं एडिट मोड में। अब देखते हैं ये अपनी सही जगह पे है, सही तो है, साइड व्यू में सामने परफेक्ट, लेकिन थोड़े थोड़े तीनों को थोड़ा ऊपर करना। अब पहले इसको सेट किया, इसको और इसको, जी जेड 1 2 3, एक नीचे बस। अब इसको लेके चलते इधर, हाँ बिल्कुल, अब परफेक्ट जगह पे आया। इस वाले को थोड़ा सा एक्स एक्स पे लंबा करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, बिल्कुल इधर, हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट शेप्स बनी है। और अब हम इन तीनों को इससे करेंगे जॉइन, जेड एक्सिस में जाके पहले हम तीनों को सेलेक्ट करते हैं, पहले इसको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके छोटा सा इसमें जो रेड कलर का देख रहे हैं ये बनाते हैं, और इसकी यहाँ पे लाइंस है ये भी यहाँ पे थोड़ी सी बना देते हैं, शिफ्ट डी एस, या फिर थोड़ा अपना कर्सर जितना दूर दूर मूव करेंगे उतना ही स्केलिंग मूविंग में या रोटेशन में इजी होगी, हमारे इजी होंगे हम के हम हमारा कर्सर जितना दूर होगा हम उतनी आसानी से अपने ऑब्जेक्ट को मूव रोटेट या स्केल कर सकते हैं। जैसे अभी शिफ्ट डी एस और जेड, मैं दूर से इसे छोटा कर सकता हूँ, और अब इसको इस साइज में छोटा करना है। अब इसको करना है जी थोड़ा सा ऊपर, जी जेड, यहाँ पे, और अब इसको शिफ्ट डी, इसको करेंगे उठा के इधर, और अब इसको करेंगे जेड एक्सिस पे पतला, डी जेड एक ऊपर एक नीचे, शिफ्ट डी जेड, इसको किया एस जेड। अब इसको करेंगे शिफ्ट डी और जेड, ये इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं, जब हो नहीं रहा ये है, ये किधर है,
अब हम इन्हें करेंगे इस जगह पे प्लेस। पहले जो हमने अपना क्यूब हाइड किया है उसे अनहाइड करते हैं। अब इसको उठा के जी वाई एक्सिस पे इधर यहाँ पे इसको थोड़ा सा इन दोनों को दूसरे व्यू में जाके सही करते हैं। जी वाई थोड़ा सा अंदर जी वाई यहाँ एरो कीज़ को यूज़ कर सकते हैं हम, इससे ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। जी वाई अगर ज़्यादा ही करना है तो अपने माउस यूज़ कर लें, थोड़ा करना है तो कीबोर्ड एरो कीज़। अब इसको सेट करके जी जेड यहाँ पे इसको जी जेड अब हम साइड व्यू में जाके देखते हैं, फ्रंट व्यू में आके अब इनको एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा लंबा करेंगे। अब इन तीनों को शिफ्ट डी जेड करेंगे ताकि मज़ीद हमारे इस तरह लेज बन जाए और मज़ीद एक बार जेड। अब इसको एक और देंगे शिफ्ट डी जेड एरो के अंदर हमने छोटा सा एक बनाया था वो पता नहीं किधर चला गया। पहले इस बड़े क्यूब को हाइड करते हैं फिर देखते हैं वो किधर है। ये तो ये है, ये तो ये है, पीछे भी कहीं नहीं है। क्यूब थ्री मतलब ये है ही नहीं। बाकी ये अभी जो लेयर्स बनाई है हमने ये वही है अभी। तो इसलिए अब आउटलाइनर ये जो हमारा ग्रुप्स है ना इसे आउटलाइनर भी कहते हैं। तो इसमें हम हाइड एंड हाइड करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमने ऐड की हुई है और कौन सी नहीं की हुई। तो इस चीज़ बात को बहुत ज़रूरी समझें क्योंकि कोई चीज़ अगर हम बनाते हैं तो वो हाइड क्यों है या नज़र क्यों नहीं आ रही। शिफ्ट डी एस जेड इसको जी वाई करते हैं और अब डी जेड अब ठीक है अब परफेक्ट है। इसको एक्स एक्सिस पे छोटा करेंगे इसकी दो लाइन को हम डुप्लीकेट करेंगे शिफ्ट डी एक्स और अब हम इसको एक्स एक्सिस पे लंबा करेंगे
जी एक्स सारी चीजें हमारी परफेक्ट जगह पे आ गई। इनको थोड़ा अंदर कर लेते हैं। जी वाई अब ये हमारी सारी चीजें सही परफेक्ट जगह पे। इसको हमने एक छोटा सा डुप्लीकेट करना है क्योंकि ये जगह हमारी बहुत हाली हाली सी लग रही है। शिफ्ट डी और जेड और अब जी एक्स और अब हम एस वाई वाई नहीं एस जेड इधर एक छोटा सा स्क्वायर बना लेते हैं। इसको एक्स एक्सिस भी थोड़ा लंबा कर लेते हैं। जी जेड कर लेते हैं। अब ठीक है अब सारी चीज़ों को इससे जोड़ देते हैं। जैसे ये हो कंट्रोल जी इसको करेंगे हम साइड व्यू में जाके जी वाई ताकि थोड़ा नजर आए जी और वाई ताकि थोड़ा नजर आए। अभी भी नहीं नजर आया साइड व्यू में गए जी वाई ताकि थोड़ा नजर आए। अब इसको खुद भी ट्राई कर सकती हैं कि हम जो चेंजेस रखना चाहें खुद रख सकते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करने वाला हूँ। तो इसमें मैंने कर दिया है मटेरियल और ये अब बिल्कुल थोड़ा बहुत सिमिलर थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी सिमिलर है। इसमें ये लाइन भी येलो है ये सन छोटा सा बना हुआ मैंने स्क्वायर बना दिया और ये छोटा सा नेम कार्ड भी जो होता है और ये रेड और ग्रे कलर का मैंने भी इसमें इमिशन भी डाली ताकि थोड़ा सा ये ग्लो लगे रेंडरिंग में इतना अंधेरा ना लगे। तो ये अब बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसको देते हैं मटेरियल। मैंने इन सब को ना इनके प्लेट से जॉइन कर दिया जिससे अब ये अलग नहीं होंगे। लेकिन मैंने इन सब को इससे नहीं अभी जॉइन किया क्योंकि मैं अभी इसे मटेरियल दे रहा हूँ। अभी हम इसको देते हैं ऑरेंजिश सा कलर तो यही है बस थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। ये कलर और थोड़ी सी मेटालिक रफनेस दे देते हैं। मेटालिक स्पेक्युलर कम कर दे स्पेक्युलर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। शीन रहने देते हैं। रफनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब ये सही मजबूत लोहे वाला लग रहा है। अब हम इसमें नई न्यू चीज़ें ऐड करेंगे और इसके मशीज में पहले तो इसके जितने भी हैं फेसेस जो जिसमें हमने ब्लैक करना है वो सेलेक्ट कर लेते हैं अल्ट दबा के। ये हो गया ये हो गया ये हो गया एक दो दो और तीन। हमने इनके फेसेस पे जाना है ना कि एजेस पे क्योंकि एजेस में कलर नज़र नहीं आएगा। आठ नौ आठ ना 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 हमने उस एंगल में करना है कि हमें पूरा चाहिए कि जहाँ पे हमने ब्लैक करना है। नो थोड़ा सा अपना व्यू अप कर लेते हैं।
इधर कॉर्नर में जाकर करते हैं। अब यहाँ यहाँ पे हमने करना है, यहाँ पे इसका बेस कलर दे देते हैं फुल ब्लैक और कंट्रोल जी, नॉट शिफ्ट कंट्रोल जी। अब इसको करना है असाइन, या फिर अभी रुकें अब हम इसको करते हैं वही ऑरेंज। और अब एक न्यू मटेरियल ऐड करते हैं जिस पे हम करेंगे ये ब्लैक। अभी नज़र तो नहीं आएगा लेकिन एक मैं मैजिक आपको दिखाता हूँ। 3 2 1 और ये ले, मैजिक हो गया। अभी भी नज़र नहीं आ रहा, अब देखें ये ब्लैक वाला, इसके रफनेस कम कर देते हैं, मेटल स्पेकुलर भी कम कर, सब कुछ कम कर देते हैं, बस ये ब्लैक नज़र आना चाहिए, परफेक्ट ब्लैक। अब इसके भी साइड को देते हैं, ये हो गया। अब न्यू मटेरियल ऐड करते हैं, न्यू मटेरियल, न्यू बेस कलर, ये वाला। इसको स्पेक्युलर काम कर देते हैं और अब बढ़ा देते हैं ये फुल। इसकी शाइन भी कम कर देते हैं, रफनेस बढ़ा देते हैं, शीन टेंट भी ऑफ है, अब परफेक्ट है। अब इसे इसका मैजिक देते हैं असाइन। ये दोनों पार्ट्स हमारे हो गए। अब जो इसका नीचे वाला पार्ट है वो भी हम करते हैं। अल्ट, ये हो गया सिलेक्ट, इसको भी दिया न्यू मटेरियल, इसको भी दिया न्यू, इसका बेस कलर दिया ब्लैक। ओके, इसको शेन टिंट सब कुछ बंद कर देते हैं, लेकिन थोड़ी सी रफनेस बढ़ाएंगे। अब करेंगे हम असाइन। जब हम किसी मैश के अंदर डिफरेंट वर्टिसेस या एजेस में से फेसेस में जब कोई कलर ऐड करते हैं तो हम यहाँ से असाइन करते हैं, वो भी न्यू मटेरियल ऐड करेंगे, फिर कलर दे के जो भी हमने कलर देना है या उसमें जो भी जैसे भी शेडिंग देनी है उसके बाद हम असाइन करेंगे तो ही उसके मैश के अंदर कलर होगा उस तरह का जिस तरह हम चाहते हैं। ये हमारा हो गया वॉली थोड़ा ऑलमोस्ट रेडी। हम अब हम इसकी बाकी चीज़ें बनाते हैं जो कि हैं, जो हैं हमारे आर्म्स और टायर्स। एक एक हम बनाएंगे, फिर हम उन्हें शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर देंगे। पहले तो हम इसके एडिट मोड में जाके इसको डुप्लीकेट करते हैं, इसको और इसको, शिफ्ट डी वाई। इसको करते हैं आर, जेड एक्सिस पे 90 और अब आर जेड एक्सिस पे 90।
अब ये उसके ऑपोजिट साइड पे फेस कर रहा है। अब हम इसको एक्सट्रूड इन करेंगे इसकी अंदर वाली साइड से, इसको नहीं, वो मुझे इतने गुस्से से देख रहा है कि मुझे क्यों हिला रहा है। इसके जो साइड्स हैं, एजेस हैं, हमने इनको सेलेक्ट करके करना है एक्सट्रूड इन, अल्ट दबा के ये, अल्ट शिफ्ट ये, ई और वाई, अब इनको इसको कर देंगे फिल। और अब इसके साइड वाले मटेरियल को करेंगे सिलेक्ट, थ्री दबाएंगे ताकि फेस सेलेक्ट में जाए। इसका पूरा फेस सेलेक्ट हो गया। अब न्यू मटेरियल, न्यू, वैसे ये ना भी हो तो उतना पता नहीं चलेगा क्योंकि हमने बाउंड उसकी दूसरी वाली बाउंड्री पे हमने दे दिया ना मटेरियल, तो वही लगेगा। इसको रहने देते हैं, किसी और चीज़ में इस्तेमाल हो जाए। अब इसको इसमें हम डालेंगे लूप कट्स, जो कि ये तीन लाइंस के काम करेगा लूप कट्स। हाँ ठीक है, कंट्रोल आर। अब हम पहले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, और अब आप देख पा रहे हैं ये दोनों जुड़े हुए लग रहे हैं, तो हम इनको एडिट मोड में जाके करेंगे सेपरेट बाय सिलेक्शन। मटेरियल व्यू में ऑल सेपरेट बाय सिलेक्शन, कंट्रोल डी। पहले हमने कोई एक्टिव ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर हमने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसे हमने सेपरेट करना है। ये हो गया, इसको हम राइट क्लिक करेंगे सेपरेट बाय सिलेक्शन, अभी सेपरेट हो गया। अब हम इसमें जाएंगे तो ये अलग होगा, और इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये अलग होगा। अब हम इसमें जाके इसको इसमें लूप कट्स डालेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, जी वाई इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर दबाया, कुछ हो नहीं रहा। अच्छा अभी मैं इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट में हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में हूँ। मैं अभी क्या करता हूँ, अब इसको जाकर लेके जाते हैं एडिट मोड में, कंट्रोल जी करके अब इसको दोबारा लेके जाते हैं जी वाई। आप वापस जाओ, चलो वापस। जी भाई चलो आप पीछे। अब हम इसको लेकर चलते हैं एडिट मोड में। अब हम इसको इसमें डालेंगे लूप कट्स, एक दो तीन चार पाँच छः डालेंगे वर्टिकली और दो डालेंगे हॉरिजॉन्टली। ओके कंट्रोल आर, ये क्या एरर दे रहा है। ये हमारा क्या फेस नहीं है। अच्छा फेल करना है, ओके। तो हम इसमें जाके इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर
इसको सेट करेंगे अब भाई फिल 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 फिल। अब हम इसमें डालेंगे लूप कट्स, रुपए एक कंट्रोल जी, फिर कंट्रोल जी। अब इसको करेंगे फिल, इसको करेंगे या फिर इसी तरह वर्टिकली कर रहे थे। यहाँ से यहाँ F, यहाँ से यहाँ F, यहाँ से यहाँ F। तो गाइस हमारा ये मटेरियल वाला बॉडी का हिस्सा कंप्लीट हो गया। मैंने इसके पीछे वाली साइड भी ये येलो वाली लाइंस लगाई है और इसको इस पूरी बॉडी से अटैच कर दिया, यानी जॉइन कर दिया है। राइट क्लिक में जाके यहाँ पे जॉइन आता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो, और एक्टिव ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट करते हैं तो जॉइन का ऑप्शन आता है, उसको जोड़ें, उसको क्लिक करें तो हम वो दोनों ऑब्जेक्ट जॉइन हो जाते हैं। यानी यहाँ पे इसका ये जो दरवाज़ा जिसको मैंने जिस पर मैंने ये तीन लाइन्स लगाई है ये वाली, ये देखें बिल्कुल लग रहा है असली दरवाज़ा जो अभी खुलने वाला है। उधर से भी थोड़ा लग रहा है कि अंदर की तरफ बंद है और यहाँ से खुलने की पोजीशन में। अब हम इसकी चेन टायर बनाते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, बस जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए आइए बनाते हैं इसके टायर्स। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि मैंने चेन बनानी है, तो मैंने इसका चेन का आउटर लेयर बनाई है, यानी कि जिस तरह क्रेन के टायर होते हैं, टायर तो नहीं होते, उसकी चेन ही होती है, उस तरह का ये मैंने बनाया। मैंने क्यूब ऐड करके उसमें इंसर्ट करके उनको फिर एक्सट्रूड कर लिए, आपको पता होगा एडिट मोड में जाके इंसर्ट करके फिर एक्सट्रूड। और इसी तरह मैंने ये सिलेंडर्स को भी एक्स और वाई एक्सिस पे, सिर्फ एक्स एक्सिस पे छोटा करके उनको भी इंसर्ट और एक्सट्रूड कर दिया। अब हम इन्हीं इसी पार्ट को डुप्लीकेट करके दूसरी साइड भी लगा देंगे। मैंने इन सब को इससे पेरेंट कर दिया, जैसा कि अभी मैं मूव करूँगा इससे तो फिर ये पूरा ही मूव होगा। ये इसलिए नहीं मूव हो रहा क्योंकि ये अलग पेरेंट है। अब मैं इसे मूव करूँगा तो ये पूरा होगा, यानी कि इन सब चीज़ों का पेरेंट ये है और इसका पेरेंट ये है, यानी कि ये मूव करूँगा तो पूरा ही मूव होगा। तो अभी मैं इसको डुप्लीकेट करके दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। इसको पहले मटेरियल दे देते हैं, न्यू मटेरियल, सिल्वर सिल्वर देते हैं, जैसे मेटालिक मेटालिक हो गया, रफनेस हो गई और बाकी सब ठीक है। बाकी सब चीज़ों को भी दे देते हैं, जैसे ये हो गया, ये इनको कर देते हैं राइट क्लिक और जॉइन। इसको कर देते हैं कुछ भी, इसको मूव करेंगे तो पूरा होगा। अब हम इसको देते हैं मटेरियल मेटालिक सा और लाइट ग्रे ग्रे टाइप, समथिंग लाइक दिस। और अब मेटालिक फुल फुल नहीं, ऑलमोस्ट फुल। अब इसको भी हम ये कलर दे देंगे लाइट ग्रे, दिस एंड मेटालिक इज ऑलमोस्ट फुल। ये डार्क कलर इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं साइड व्यू में देख रहा हूँ। अब हम इसको कलर करते हैं, इसको
और अब इसको मटेरियल देते हैं। मैं एज अ रेफरेंस इमेज इसको कर रहा हूँ, एक सेकेंड। अब इसको पकड़ते हैं, अब पूरे को करते हैं, ये क्यों नहीं हो? अच्छा, ये डुप्लीकेट था, इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि हमसे कोई चीज डुप्लीकेट हो रही है अगर, तो कितनी बार हो रही है या उसके ऊपर ही हो रही है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना होता है, क्योंकि कभी कभी उसका वो नज़र नहीं आती, लेकिन वो किसी चीज़ के ऊपर होती है जिस जो उस पे काम करने से हमें रोकती है। जैसे अभी मैं इसके ऊपर कर रहा था तो वो कलर अंदर वाले की तरफ हो रहा था, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए इसको। और ग्रेसा मेटालिक, इसको भी ऑलमोस्ट मेटालिक। अपने काम को सेव करना ना भूलिएगा, और हम जो जो भी बनाएं कंट्रोल एस दबा दें, फिर वो सेव हो जाता है जो हमने जिस नाम से अपनी फाइल सेव रखी हो। अब हम इसका इसको डुप्लीकेट करके इसको मिरर करके हम नेक्स्ट मतलब कि दूसरी तरफ रख देंगे। हर चीज़ मिरर हो गई है। शिफ्ट ये नहीं हुआ, हो गया और सारा कुछ हो गया। अभी मूव करके देखते हैं कुछ रह तो नहीं किया। अभी इसको करते हैं शिफ्ट। वैसे अगर हम इसे भी डुप्लीकेट करेंगे शिफ्ट डी, नहीं, पूरे हमें पूरे को मूव करना होगा। कंट्रोल सी सी और सी जी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ एक दो नहीं है, इसको सेलेक्ट किया, इसको अब करेंगे शिफ्ट डी, एक्स एक्सिस पे जाए, ना अब इसको करेंगे डिलीट क्योंकि ये डुप्लीकेट था। अब हम पूरा डिलीट सेलेक्ट करते हैं, वो नहीं, यहाँ से सारा सेलेक्ट है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, इधर से भी है, हर जगह से अच्छी तरह देख लें, क्योंकि अगर कोई चीज़ रह गई हो तो फिर उसे सेट करना मुश्किल हो जाता है। शिफ्ट डी एक्स, अब ये परफेक्ट है। साइड व्यू में जाके इसको करते हैं मिरर एक्स एक्सिस, राइट क्लिक मिरर एक्स एक्सिस जी और एक्स। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे और अब इसे सेलेक्ट करेंगे, अब हम साइड व्यू में जाके जी जेड नीचे करेंगे और इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसको जैसे कि ये अब हम इसको मूव करें
अब इसको डिलीट करना है तो हम कैसे करें? सेपरेट एडिट मोड में जाके एडिट मोड सेपरेट बाय लूज पार्ट्स। अब हम उसे सिलेक्ट करेंगे और अब मैं वो ढूंढ रहा हूँ जो इसके अंदर रहा था, अंदर था, जो ग्रे ग्रे था, छोटा सा था ना। इसको करते हैं कंट्रोल जी, तो इसको पकड़ते हैं कंट्रोल जी से। इन्हें करते हैं एडिट मोड सेपरेट बाय सिलेक्शन। अब इसको करते हैं एक्स डिलीट। अब इसको करते हैं हाइड अनहाइड। अब हम इसको मूव करेंगे तो ये हर चीज में, इसकी कोई भी चीज मूव या इधर उधर बिखर नहीं रही, अब सही तरह पेरेंट हो गई है। अब हम इसको इनके साथ करेंगे जॉइन या पेरेंट। जी जेड, अब इसको करते हैं इधर। अब और इसको सेव किया, इसको सेलेक्ट किया, एस और अब ये हो गया हमारा कंप्लीट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। यानी कि इसका बेस हो गया, उसके टायर्स हो गए, चेन, मतलब उसके जितने पार्ट्स थे हमने उनको कर दिया है जॉइन, पेरेंट पेरेंट कर दिया। इसको करते हैं इसके साथ पेरेंट बाय ऑब्जेक्ट। अब हम इसे मूव करेंगे तो ये, इसे नहीं, इसे मूव करेंगे तो एक पैरेंट। इसको करते हैं पहले इसको सेलेक्ट। अब करेंगे पैरेंट और ऑब्जेक्ट, तो इसको करते हैं पहले इसको और इसको किया जॉइन कर देते हैं कंट्रोल सी। पेरेंट विद ऑटोमेटिक वेट्स। अब मैं मूव करता हूँ तो ये पूरा मूव होगा। अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों पेरेंटेड या चाइल्डेड तो हम यूज़ करेंगे पेरेंट विद ऑटोमेटिक वेट्स, यानी कि वेट के साथ हम उसको पेरेंट करेंगे। इसको कर देते हैं सेव, क्योंकि हमें ये सेव चाहिए, हम नेक्स्ट टाइम भी इसको यूज़ कर सकते हैं।
इतना मॉडल इसका रेडी हो गया, इसके आर्म्स और इसकी नेक रह गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मॉडल अच्छा लगा होगा। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अगर अच्छा लगा इतना भी तो फिर वीडियो को लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।